यूपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आपके भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। इस वैश्विक महामारी में लोगों के व्यवसाय पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। दो पहिया वाहन की बिक्री इन दिनों बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन लॉकडाउन ने बाजार को पूरी तरह लॉक कर दिया है। बात करते हैं चौपारण चतरा मोड़ स्थित टीवीएस शोरूम की, जहां लॉकडाउन के दौरान भी स्टाफ को सैलरी दी ताकि उनका जीवन यापन हो सके। शोरूम के मालिक का कहना है कि बाजार में दो पहिया वाहन का सेल पूरा घट गया है। पहले महीने में 40 से 50 गाड़ी बेच लेते थे, अभी बहुत मुश्किल से गाड़ियां बिक रही हैं। पहले सभी बिजनेस मैन या ग्रामीण भी लेने आते थे, अभी सिर्फ जिनके यहाँ शादी है वही सिर्फ लेने आते हैं। गाड़ी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। परिवहन और उत्पादन के बंद होने से बाजार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण सभी पार्ट्स और गाड़ी के रेट में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण इसका असर बिक्री पर हो रखा है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ हजारीबाग जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अभी मैं चौपारण प्रखंड में टीवी शोरूम आए हुए हैं, जहां इनके जो मेन मालिक है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन में स्टाफ लोगों को पेमेंट किए हैं, अभी लॉकडाउन के बाद किस तरह सेलिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति बाजार का, वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी सर जी नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार सर। अच्छा, अभी जैसे कि लॉकडाउन संपूर्ण रूप से बंद था, अभी पहले कितने सेलिंग करते थे? पहले महीने का 40 गाड़ी 50 गाड़ी कम से कम होता था, अभी से बहुत घट गया है। कस्टमर भी अभी नहीं है और स्टॉक भी अभी नहीं मिल पा रहा है, गाड़ी का बहुत सारी परेशानियां हैं, गाड़ी भी नहीं चल रहा है, उसके चलते पार्ट्स का भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, पार्ट्स अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा है, बहुत कस्टमर घूम रहा है, बहुत तरह की बातें। अच्छा, लॉकडाउन में जो आपके पास कितने स्टाफ काम कर रहे हैं? स्टाफ 3% में 9 स्टाफ हैं। तो लॉकडाउन में कैसे हम लोग मैनेज किया? मैनेज किया, कुछ को पेमेंट दिए, कुछ का बाकी रहा अभी दे रहे हैं, इसी तरह मैनेज करके चल रहे हैं। अभी क्या स्थिति बाजार? बाजार वैसा कुछ खास नहीं है, बाजार बहुत बैठा हुआ है, पहले का पीछा बहुत डाउन है। अभी कितने दिन हो रहे दुकान खुले? लॉकडाउन 15 दिन हो रहा है। अभी तक कितने गाड़ी बेचेंगे आप? अभी तक मेरा गाड़ी 20 गाड़ी लगता है लगभग, अभी तक मतलब 15 दिन में 20 गाड़ी, पहले मतलब ज्यादा गाड़ी पहले बिकता था। स्टाफ लोग भी सब अभी लगन भी था, अभी हम लोग का सेल अच्छा होता था, इस बार तो एकदम पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चलता कुछ नहीं, ग्राहक ही नहीं, ग्राहक ही नहीं। स्टाफ लोग भी सब आपके पास आ रहे हैं? सब स्टाफ आ रहा है। मैंने किसी सामान के जो सामान घट रहा मैंने अवेलेबल नहीं था, कैसे मैनेज कर रहे हैं? कस्टमर घूम रहा, उपाय नहीं, क्या कर सकते, उपाय नहीं। गाड़ी भी अभी आप मतलब स्टॉक देखने के भी घट गया, स्टॉक भी बहुत घट गया, स्टॉक भी पूरा करना है। एक्चुअली क्या है कि बैंक का भी लोड है, ब्याज देना है आपको बैंक के, अगर इधर बोले कि उसने रिबेट दिया है उसे पैसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आपका प्रधानमंत्री का कुछ फंड आया हुआ है जो आप लोग को पता है, बैंक जाने के बाद उसका कोई कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन में भी इन्होंने स्टाफ को सभी को अपने मैनेज कर रखे हैं, इनके पास स्टॉक अभी अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा है, ये कहना है गाड़ी नहीं आ रही है, इस कारण मेरे पास स्टॉक नहीं आ रहा, मैन्युफैक्चर बंद है होने के कारण पार्ट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।